सभी का आपको अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट जो सॉल्व गुरु। और आज मैं बात करने वाले हैं एसएससी 2024 में एक नया नोटिस आया है। ये नोटिस में क्या है कि फिर से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी ओटीआर करना होगा। तो ये वीडियो बेसिकली उसी मुद्दे पर आने वाला है। बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर ये ओटीआर क्या नया सिस्टम आया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा इस पर डिटेल एक वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो बेसिकली उसी पर आने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है एसएससी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है और कह सकते हैं रेलवे के बाद सबसे बड़ी संस्था जो देश में जॉब प्रोवाइड करती है वो एसएससी ही है। तो ये वीडियो उसी पर आने वाला है, किस तरह से अपना ओटीआर को बनाएंगे और कैसे वो ओटीआर समाप्त हुई थी। वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम, जैसे बिहार विधानसभा हुआ, बिहार विधान परिषद हुआ, साथ ही साथ देश के और केंद्र के जितने भी सरकारी फॉर्म आते हैं उसको सबसे पहले नोटिफिकेशन बताया जाता है, और नोटिफिकेशन के साथ साथ उसके एग्जाम का भी एनालिसिस किया जाता है, उसका एक्सपेक्टेड कटअप बताया जाता है, और आपको लास्ट यानी ए से जेड तक तमाम जानकारी यहाँ पर दी जाती है। सो वैसे बच्चे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले ताकि सारा नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे और उनकी सफलता सुनिश्चित होती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बात करते हैं ये ओटीआर क्या है। देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन एसएससी क्या है कि एसएससी का जो पुराना वेबसाइट था जिसका नाम था ssc.nic.in, अब वो वेबसाइट जो है वो काम नहीं करेगा। अब एसएससी ने अपनी एक नई वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है ssc.gov.in, ठीक है, यानी एनआईसी हट करके अब gov.in हो गया। तो जो बच्चे पहले एसएससी में कोई फॉर्म को अप्लाई करते थे, जैसे कि जेडी हुआ, एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ या फिर सीजीएल ही हुआ, तो उससे पहले क्या करते थे कि वो ssc.nic.in, एनआईसी पुरानी वाली फॉर्म थी मतलब जो साइट था, उस पर अपना एक रजिस्ट्रेशन बनाते थे यानी अपना एक अकाउंट बनाते थे। उस अकाउंट में क्या होता था कि अपने वो नाम, पता, पिता का नाम, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और अपना डेट ऑफ बर्थ लिख करके अपना एक अकाउंट बनाते थे, और जब उस अकाउंट में लॉगिंग करते थे तो लॉगिंग करने के साथ ही जो भी नया फॉर्म आता था नीचे में उसका ऑप्शन रहता था अप्लाई करने के लिए, यानी बच्चों को बार बार एक ही डिटेल नहीं भरना होता था, केवल उस फॉर्म को अप्लाई करिए और आपका मात्र 2 से 3 मिनट में फॉर्म भरा जाता था, क्योंकि आपका आईडी और सिग्नेचर पहले से ही अपलोड रहता था। उसी के रिगार्डिंग देखिए एक नया नोटिस एसएससी ने जारी किया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट नोटिस। क्या लिखा हुआ है, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेक्स प्राइड इन अनाउंसिंग द लॉन्च ऑफ अ न्यू वेबसाइट, यानी एसएससी ने एक नई वेबसाइट जारी की है विच हैज़ बीन मेड लाइव इन 17th, यानी 17 फरवरी से लाइव हो चुका है। हाउएवर द एग्जिस्टिंग वेबसाइट विल ऑल्सो कंटिन्यू टू एक्सेसिबल थ्रू अ लिंक ऑन अ न्यू वेबसाइट, यानी पुरानी अभी भी चल रही है लेकिन जैसे ही आप पुरानी पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक नई वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू डू अ फ्रेश, यानी जो पहले से nic.in पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन किए हुए थे वो फ्रेश यानी फिर से ओटीआर करेंगे नई वेबसाइट पर कमीशन के। ठीक है, अब जो पहले जो थी क्या थी, जो नया है उसका नाम है ssc.gov.in, एस ओ टी आर पे बेसिकली डन अर्लियर वर्जन ऑफ कंप्यूटर वेबसाइट क्या है nic.in, ठीक, यानी nic.in से हट करके gov.in पर आना है। द डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन मे बी सीन अंडर सेक्शन फॉर कैंडिडेट। अब इसमें क्या है, ये 19 फरवरी को जारी हुई है, अभी क्या है कि एसएससी फेस 12 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और फिर आने वाले समय में सीजीएल भी आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि वैसे बच्चे जो एसएससी के पुराने वेबसाइट पर पहले रजिस्ट्रेशन करवा कर बैठे थे और इस बार अगर फेज 12 का वो फॉर्म भरने जाएंगे तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले इसमें आपको ओटीआर करना होगा। ओटीआर में कुछ नहीं करना है, जैसे आप लोगों ने पुराने में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था सेम, और हम तो कहेंगे कि हमने देखा भी था, उससे भी सिंपल आपको ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, यानी आप मोबाइल से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन 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 पॉइंट ऑफ नोटेड, आपको अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड जो है वो अच्छे संभाल कर रखना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो रजिस्ट्रेशन करवा तो लेते हैं लेकिन बाद में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही भूल जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर भूलने की अवस्था में क्या होता है कि वो नया रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाते हैं, यानी अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं तो आप नया रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन में अपने पुराने डिटेल को भरिएगा तो लिख देगा कि ये डिटेल पहले से ही एग्जिस्ट है। इसलिए आप लोग गलती मत कीजिएगा, आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा एसएससी के नाम से, ताकि भविष्य में कभी भी उसकी आवश्यकता पड़े तो आप वहाँ से देख सकें। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उस समय वो करवा दिए थे कैफे वाले से और कैफे वाले ने कुछ बताया नहीं, और जब वो फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं कहीं और जाकर अप्लाई करते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन नंबर पता होता नहीं है, जिस कारण से वो काफ़ी असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं। लेकिन अभी आप लोग जो नया रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, आप लोग के लिए ये सूचना जनहित में जारी है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में कभी भी फॉर्म अप्लाई करना हो तो आसानी से कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे चैनल पर
नेक्स्ट पर्सन गुड, दैट्स ऑल, थैंक यू बाबा, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।